सो गाइस, अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में आना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपको अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, यहाँ पास में से आपको ये टाइप करके आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी सबसे फर्स्ट में नंबर में। यहाँ पास में से आपको इस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सो गाइज, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पास में सामने से में आपको अमेजोन एसोसिएशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास में से आपको एक साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पास में से कुछ इस तरह का एक पेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका पहले से अमेजोन प्रोग्राम एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में अकाउंट बना है तो यहाँ पास ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बना नहीं है तो नीचे में आपको क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपको जो जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, यहाँ पास वो सारी चीज़ें यहाँ पास आपको दे देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पास से आपका नाम पूछ रहा है तो यहाँ पास में से आपको नाम डाल देना है। तो मैंने यहाँ पास से अपना नाम एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पास में से आपसे सेकेंड ऑप्शन में आपका ईमेल आईडी पूछ रहा है तो यहाँ पास से ईमेल आईडी डाल देना है। नेक्स्ट, उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पास में से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पास से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पास से मैं अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया। उसके बाद नीचे में क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इस क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा तो आपके जो आपने ईमेल आईडी डाला था, आपके उस ईमेल आईडी में आपको एक अमेजोन की तरफ से एक ओटीपी आएगा। यहाँ पास ये अमेजोन की तरफ से एक मेल आया, इस मेल में नीचे में यहाँ पास आपको एक ओटीपी देखने को मिल जाता है। आपको इस ओटीपी पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास से वेबसाइट में आना है वापस, और यहाँ पास में से उस ओटीपी को यहाँ पास से पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी में या फिर ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंट ओटीपी का नीचे ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपको एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पास में से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो ईमेल आईडी में था, यानी कि उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर से एंटर करना है। तो कैसे, यहाँ पर से मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे में आपको ऐड मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इस ऐड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पास में से आपके मोबाइल नंबर में एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पास में से एंटर कर देना है। सो गाइस, यहाँ पास से मैंने उस ओटीपी को एंटर करने के बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पास से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास से हमारा अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो गाइस, यहाँ पास में से आपको एक पी ए नेम करके एक लिखा हुआ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पी ए नेम मतलब कि किसके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो किसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो गाइस, यहाँ पास में से आपको उस बैंक का जो भी आपका नाम है वो सब फिल कर देना है, और एड्रेस वेड्रेस सब कुछ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पास में से सब फिल होने के बाद नीचे में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पास में से हु इज़ द मैन कंटेंट फॉर थिस अकाउंट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके अलावा कोई और भी इस अकाउंट को यूज़ करना चाहता है तो समवन इज नीड इंटर देयर इंफॉर्मेशन, यानी कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पास में से आपको डालनी होगी अगर कोई आपके अलावा भी इस अकाउंट को यूज़ करना चाहता है। वैसे तो मैं अपने अपने अकाउंट को किसी और को यूज़ करने नहीं दूंगा, तो यहाँ पास द पी ए लिस्टेड एडोप पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद नीचे में ये सब ये फिल कर देना है। अगर आपको किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद फॉर यूएस टैक्स प्रोनाउंस, यानी कि अगर आप कोई यूएस के हैं तो यहाँ पास यस कर देना है, अगर आप यूएस के नहीं हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास में से आपके एक वेबसाइट या ब्लॉगर का लिंक पूछ रहा है तो यहाँ पास में से आपको अपना वेबसाइट या ब्लॉगर का लिंक डाल देना है। अगर आपका कोई एक मोबाइल ऐप है तो उसको उसका भी लिंक यहाँ पास में से आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका यूट्यूब चैनल होगा, आपको उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ पास से डाल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पास से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। उसके बाद में शेयर बटन पर क्लिक करके इस वीडियो यानी कि इस चैनल का लिंक यहाँ पास से कॉपी कर लेता हूँ।
बस यहाँ से लिंक मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद में वापस वेबसाइट में आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ उस लिंक को यहाँ पर से पेस्ट कर देना। उसके बाद साइड में आपको एक ऐड करके एक बटन देखने को मिल जाता है, आपको इस ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास में से जो आपके चैनल का लिंक है वो यहाँ पास में से ऐड हो जाएगा और यहाँ पास से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास से आपका सारा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर आपका एक मोबाइल ऐप है तो यहाँ पास में से उसका भी लिंक यहाँ पास में से डाल सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ मैंने डाल दी, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है। नेक्स्ट उसके बाद ये काम होने के बाद अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करके एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर से आपका जो स्टोर आईडी पूछ रहा है, यानी कि आपका स्टोर आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टोर आईडी डालने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस अपना नाम एंटर कर देना है, स्पेस नहीं देना है। उसके बाद व्हाट आर यू वेबसाइट और मोबाइल ऐप, मतलब कि आपको अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपको जो वेबसाइट है किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ पे आप कंटेंट बनाते हैं, वो चीज़ थोड़ी बहुत यहाँ पर से फिल कर देनी है। सो गाइस यहाँ पर से मैंने डाल दिया है, एंड गाइस यहाँ पर से आपको आपको अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से लिख के यहाँ पर से डाल देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट एनी टॉपिक का नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि आप किस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको वो टॉपिक को यहाँ पर से आपको एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर में से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर से मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये सेलेक्ट कर लिया है। देन नेक्स्ट बाद में यहाँ पर अगर आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया वो सेलेक्ट नहीं किया, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पास में से आपको एक अदर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे में आपको एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके देन नेक्स्ट उसके सेलेक्ट एनी टॉपिक, तो यहाँ पास में से आपको कोई अपना टॉपिक चूज़ कर लेना है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास बुक्स वगैरह सारे टॉपिक्स को यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो वैसे यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि आपका वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल किस टाइप का है, तो यहाँ पास में से मैं सोशल मीडिया पेज ग्रुप पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट कंटेंट वेबसाइट पे यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर से नेक्स्ट कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, फिर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही सेलेक्ट कर लें, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं, तो यहाँ पास में से SEO हो गया, ईमेल हो गया, इन सब के थ्रू भी ला सकते हैं। यहाँ पास आप सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पास कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड देन नेक्स्ट है कि आप इस वेबसाइट से कैसे जनरेट कर पाओगे, तो यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अमेजोन एसोसिएशन, और दूसरे में भी मैं यही सेम चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पूछ रहा है कि आप कैसे लिंक बिल्ड करते हो, तो यहाँ पर से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर से मैं अदर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से मैं अदर पे क्लिक कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर से आपसे यूजर्स पूछ रहा है कि आपके टोटल कितने विजिटर्स आते हैं आपके चैनल या फिर वेबसाइट में, तो यहाँ पर मैं से आपको वो चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ पर से डाल देनी है। सो गाइस यहाँ पर से आपके हिसाब में आपके विजिटर्स कितने आते हैं वो चीज़ यहाँ पर से एंटर कर देनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी रीज़न क्या है, तो यहाँ पर से मैं मोनिटाइज करना कर देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर से पूछ रहा है कि आपने हमारे बारे में कहाँ सुना, तो यहाँ पर से मैंने ऑनलाइन सर्च पे क्लिक कर दिया है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर से कैप्चर डाल देना है, तो मैं यहाँ पर से अपना कैप्चर डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर से मैं अपना कैप्चर डाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर से अभी लोड ले रहे हैं, एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर से मेरे को मेरा स्टोर आईडी यहाँ पर से मिल चुका है। एंड गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपका स्टोर आईडी यहाँ पर मिला है कि नहीं। एंड गाइस उसके बाद नीचे में एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर में से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर से एंटर कर देना है। सो गाइस उसके बाद साइनिंग पे आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस साइनिंग पे क्लिक कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर से आपको वापस से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर से आपका जो
टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको एक ओटीपी आई गई आपके मोबाइल नंबर में, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर में से एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर से ओटीपी को एंटर कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो चुका है। एंड गाइस नेक्स्ट यहाँ पर से आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करने को बोल रहा है, बट अभी मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपके में जो टोटल इनकम 1000 तक नहीं हुई है तो यहाँ पर ऐड करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं से स्किप कर देता हूँ। एंड गाइस नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर से आप होम पे क्लिक करके यहाँ पर से ये पेज ओपन हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर से आपका जो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल्ली बन चुका है। सो गाइस आई होप कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।